जब भी हल्की भूख लगी हो तो झटपट बनाकर तैयार करें हरी मटर की चाट। हरी मटर की चाट बनाने के लिए सबसे पहले मटर को हम छील लेंगे। मैंने लिया है 1 kg हरी मटर। हरी मटर को छील लेंगे। अब चढ़ाएंगे गैस पे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 स्पून तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग। हींग डालने के बाद उसमें डाल देंगे थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी मेथी। इनको अच्छे चटकने दीजिए। अब इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। इनको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अब ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको अच्छी तरह से भून लें। अब डाल देंगे मटर। मटर को हम लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। मटर को ढक कर नहीं पकाएंगे, ऐसे ही पका लेंगे जिससे कि इसका कलर चेंज ना हो। मटर जल्दी सॉफ्ट हो जाती है इसलिए धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। मटर अच्छे से कुक हो गई है। इसमें अब डाल देंगे उबले हुए 2 आलू। आलुओं के साथ ही मसाले ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे छोटी 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला छोटी 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। इन सभी मसालों को डालने के बाद अच्छे तरह से मिक्स कर लें। सभी मसाले डालने के बाद 8 से 10 मिनट तक मीडियम आंच में हम चाट को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चाट में ऐड कर देंगे आधा कटा हुआ नींबू। नींबू डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। हरी मटर की चाट बनकर तैयार है। आप भी इस तरह झटपट चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। शाम के टाइम नाश्ते में चाय के साथ हरी मटर की चाट मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो आइए सर्व कर लेते हैं हरी मटर की चाट। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी आलू की भुंजिया, हरा धनिया और जीरा पाउडर। डालने के बाद सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरी मटर की चाट बनकर तैयार है।